शिक्षा भूमि संस्थान YouTube चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, ये पंचामृत सीरीज का जो है ये नया वीडियो है आपको शाहजहां से संबंधित। देखिएगा दोस्तों, ये यानी कि आपको पता है कि ये नया वीडियो जो है आपको नए साल में मिल रहा है। ऐसे हम आपको पहले भी दिए थे लेकिन वो सब शूट किया हुआ था यानी 2022 का ही, लेकिन ये जो है पहला वीडियो शूट कर रहे हैं जो कि बना रहे हैं आपके लिए और ये 2023 का है। तो आप सभी को पहले नए साल की ढेरों सारे बधाई। आपको जो है ये नया साल आपके लिए ढेर सारे खुशियां लाए। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे, शाहजहां के बारे में। ध्यान दीजिएगा, शाहजहां पहले इनका शासनकाल जो है 1628 से 1658, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था 1592 में हुआ था लाहौर में, ठीक है। इनके पिता का नाम जहांगीर और जगत गोसाई था, उन्हीं का पुत्र थे शाहजहां, है ना, जिनका मूल नाम था खुर्रम। इनका विवाह जो हुआ था आसफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। इनको जो है मुमताज महल भी कहा जाता है। और इनका मृत्यु के बाद जो है, इनका मृत्यु जो हुआ था प्रसव पीड़ा के कारण हुआ था। और इनका मृत्यु के बाद जो है इनका कब्र था आगरा में, और कब्र पे ही बना है ताजमहल, है ना। तो ताजमहल कहाँ है? आगरा में। किनके कब्र पर? तो मुमताज महल के कब्र पर, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला लिखा हुआ है शाहजहां का मूल नाम क्या है, ये तो हम आपको बता चुके हैं, है ना। मूल नाम क्या है तो आपको यहाँ दिख रहा है खुर्रम, है ना, खुर्रम। चलिए ये आंसर हो गया। अब देखिए, मलिका ए जमानी, ये जो है इनका, इनकी पत्नी जो थी वो अर्जुमंद बानो बेगम थी, ठीक है। अर्जुमंद बानो बेगम थी इनकी पत्नी, और इन्हीं को जो है शाहजहां जो है मलिका ए जमानी का उपाधि दिया था। ये आसफ खां इन्हीं की पुत्री थी, कौन? तो अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है। ये हुए ससुर जी, है ना। ये जगत गोसाई इनकी माँ हुई, है ना। तो चलिए सबके बारे में आप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन का वास्तुकार कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, मयूर सिंहासन का वास्तुकार कौन है? तो ये जो है आंसर आपका होगा बेबादल खां, है ना, बेबादल खां। अब देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उस्ताद अहमद लाहौरी, तो ये किसका? तो ये ताजमहल का। किसका? तो ये ताजमहल का। किसका? ताजमहल का। ताजमहल का वास्तुकार कौन? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद ईसा जो थे वो ताजमहल जो है बना था वो इन्हीं के देखरेख में बना था, यानी उस्ताद ईसा के देखरेख में बना था, लेकिन वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता है तो ये भी वास्तुकार मारते हैं, लेकिन अगर ये ऑप्शन में है तो आंसर होगा क्या? उस्ताद अहमद लाहौरी, और इनके देखरेख में बना था क्या? ताजमहल। अब देखिए, आपको पता है कि शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं, है ना। तो ये कहा था किसने? तो पर्सी ब्राउन, ये इतिहासकार थे और पर्सी ब्राउन, और यही कहे थे शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, ठीक है। अब देखिए आगरा के किला, ये क्या है? तो ध्यान दीजिए, आगरा के किला में जो है इनको, जब इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था शाहजहां का, तो ये अपना उत्तराधिकारी जो है अपने जीवित में ही घोषित कर दिए थे दारा सिखों को। तो इनके अन्य पुत्रों से जो है यानी उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ, किन से? दारा सिखों से। और फिर जो है औरंगजेब जो है शाहजहां को कैद करके आगरा के किला में रखा था। तो क्वेश्चन पूछता है कि मुगल का वह शासक कौन था जिन्हें कैद किया गया था? तो वो शाहजहां थे, ठीक है। और रखा गया था कहां? तो आगरा के किला में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। दारा सिकोह ने सीर ए अकबर के नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था? तो किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था? तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका उपनिषद। आंसर क्या होगा? उपनिषद, है ना। आप देखिए, ये फारसी में अनुवाद जो है आपका भागवत गीता, योग वशिष्ठ और उपनिषद, ये तीनों का किया था, लेकिन सीर ए अकबर के नाम से जो है उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था। अब देखिए, महाभारत और रामायण का जो है फारसी में अनुवाद किया था बदायूनी, है ना। अब देखिए, पंचतंत्र जो था इसको जो है अब्दुल फैज और एक जो है सॉरी अबुल फजल और एक मोहम्मद फैज करके व्यक्ति थे जो इसको फारसी में अनुवाद किए थे, ठीक है। तो चलिए अब जो है आपको क्वेश्चन बताना है क्या, कि देखिए पंचतंत्र और महाभारत ये दोनों का लेखक कौन है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, सत्य नहीं है यानी असत्य है। अब यहाँ पढ़िएगा सत्य, बस उतने में आज खुश रहेगा, और जो सत्य रहेगा पहल के मार के फिट कर दीजिएगा, समझे? तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, सत्य नहीं है ऐसे भी क्वेश्चन रह सकता है, यहाँ डायरेक्टली असत्य नहीं लिखेगा, सत्य नहीं है, समझे? अब देखिए कौन सत्य नहीं है, तो निर्माताओं का राजकुमार कहते हैं शाहजहां को, सही बात है, शाहजहां को निर्माताओं का राजकुमार कहते हैं, शाहजहां के काल को संगमरमर का काल कहते हैं, और शाहजहां को किसानों का हितैषी कहते हैं, और इनके समय के इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं, क्या मतलब, यानी सभी सही है। अब देखिए यहाँ चित्रकला का स्वर्ण काल, यही जो है आपका गलत हो गया, और यही जो है आपका आंसर है, ये चित्रकला का स्वर्ण काल जो है जहांगीर के काल को कहते हैं, किसके काल को, जहांगीर के काल को कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी उसी तरह का फिर सा क्वेश्चन है। अब देखिए इनका सिक्का आना था, सही बात है, शाहजहां ने आना नामक सिक्का चलाया था, इन्होंने मासिक वेतन प्रणाली को प्रारंभ किया था, क्या मासिक वेतन प्रणाली, ये क्या था कि आप जितना महीना आप काम करेंगे उतना ही महीना का वेतन मिलेगा, या फिर जितना महीना का आपको वेतन मिलेगा उतना ही आपको काम करना है, ठीक है। आगे देखिए, उपाधि जो है शाहजहां जो है अब्दुल मुजफ्फर का उपाधि धारण किया था, सही बात है, इन्होंने इनका लगान जो था, ये लगान का व्यवस्था कैसा था, तो जमींदारी प्रथा था, तो नहीं, यही जो है आपका गलत हो जाएगा, ये जो है ठेकेदारी व्यवस्था था, ठेकेदारी व्यवस्था या प्रथा था, क्यों, क्योंकि ये जो है ठेकेदारी मतलब ठीक कह सकते हैं कि ठेका दे दिया था कि आपको लगान वसूल करके जमा करना है, ये जमींदारी प्रथा नहीं था। अब देखिए इन्हीं के समय सिख गुरु हरगोविंद ने विद्रोह किया था, सही बात है, तो आपको तो सीधा सीधा याद है जहांगीर और तेग बहादुर, एगो औरंगजेब एगो जहांगीर, और ये नहीं याद रखिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सिख गुरु हरगोविंद ने किसके समय विद्रोह किया था, तो शाहजहां के समय विद्रोह किया था। अब ये आपको बताना है कि हरगोविंद जो थे ये कैमे गुरु थे सिख के, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए तेजी से रिवीजन कर लेते हैं, शाहजहां का मूल नाम क्या, तो खुर्रम, अर्जुमंद बानो बेगम किनका मूल नाम था, तो शाहजहां की पत्नी का, है ना, और शाहजहां की पत्नी जो अर्जुमंद बानो बेगम थी ये किनकी पुत्री थी, तो आसफ खां की पुत्री थी, इनको शाहजहां क्या चीज का उपाधि दिया था, तो मलिका जमानी का। जगत गोसाई कौन थी, इनके माता जी थे, और इनके पिता कौन थे, जहांगीर। मयूर सिंहासन का वास्तुकार कौन, तो बेवादर खां, ये उस्ताद ईसा के देखरेख में ताजमहल बना था, और ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी, ये पर्सी ब्राउन था, यही जो है कहा था कि इनके स्थापत्य, इनके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, और आगरा किला, आगरा के किला में जो है शाहजहां को कैद करके रखा गया था औरंगजेब के द्वारा। दारा सिको जो है सीर अकबर के नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था, तो उपनिषद का, उपनिषद, योग वशिष्ठ और भागवत गीता, ये तीनों का फारसी में अनुवाद कौन किया था, तो दारा सिको। महाभारत का कौन, बदायूनी। पंचतंत्र का कौन, तो अबुल फजल या मोहम्मद फैज, है ना। शाहजहां के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी गलत है, तो निर्माताओं का राजकुमार कहते थे शाहजहां को, ठीक है, इनके काल को संगमरमर का काल, सही बात है, यही किसानों का हितैषी कहते हैं, सही बात है, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं, सही बात है, चित्रकला का स्वर्ण काल नहीं कहते हैं, ये जहांगीर के काल को कहते हैं। अगला भी जो है असत्य छाटना है, तो सिक्का था आना, सही बात है, मासिक वेतन प्रणाली प्रारंभ किया था, सही बात है, उपाधि जो है अब्दुल मुजफ्फर का मतलब ग्रहण किए थे, सही बात है, लगान जो है जमींदारी नहीं ठेकेदारी प्रथा था, और सिख गुरु हरगोविंद जो है विद्रोह का, विद्रोह जो था शाहजहां के ही समय हुआ था। तो चलिए दोस्तों ये शाहजहां से संबंधित वीडियो है, अगला वीडियो हो सकता है आपको, हो सकता है कि अगला वीडियो जो मिलेगा आपको औरंगजेब से संबंधित मिलेगा, इसके बाद जो है हम जो है लगता है कि वीडियो नहीं बनाएंगे, खास करके पंचामृत सीरीज को समाप्त करना पड़ेगा एग्जाम से पहले ही, इसलिए कि आप लोग का प्यार हमें लगता है कि नहीं मिल रहा है, और आपको नहीं पसंद पड़ रहा है ये सब वीडियो, इसलिए हमें लगता है कि उचित नहीं है, इसके जगह पे हम दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे करंट अफेयर्स का या फिर और भी कोई टॉपिक का, है ना। तो बाकी आप लोग क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ ये सीरीज जारी रखा जाए या रोक दिया जाए। तो चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।